सर बताएं सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लोगो बताएं ऐसे कैसे बताएं? रेडी रेडी सर जी सर स्टार्ट सर जी बताएं सर आज की प्रेस जी 2 तारीख को 2 जनवरी को एक शख्स जिसका नाम पवन कुमार था सन ऑफ ठंडू राम आरो सितैनी उधमपुर तो उसकी डेड बॉडी मशकूक हाल में वार्ड नंबर 7 में पाई गई थी जहां पे वो एक सागर चंद शर्मा वार्ड नंबर 7 में उसके घर में रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा था और ये जो है डिसीज्ड पवन कुमार फेरी का काम कर रहा था पिछले चंद सालों से यहाँ राजौरी में तो डेड बॉडी क्योंकि मिस्टर सरकमस्टांसिस में पाई गई थी तो लिहाजा पुलिस ने इस पर इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की और केस का फर्दर दरियाफ्त शुरू की। इसमें ये पाया गया कि इसके साथ 3 और लोग रह रहे थे एक अशोक कुमार आरू टिब्बर गुरदासपुर और दूसरे 2 जिनका नाम नारायण दास और विष्णुदास सन्स ऑफ देसराज ये भी गुरदासपुर के थे तो ये रह रहे थे। फिर जब जो है वो वेरिफिकेशन में ये जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो नए साल की सेलिब्रेशन के दौरान इन सब ने जो है वो शराब वगैरह पी ली और फिर कोई छोटी बात पे किसी पे जो अशोक कुमार और डिसीज्ड पवन कुमार के बीच जो है झगड़ा होने लगा टीवी की वॉल्यूम को लेके कि एक ने बोला वॉल्यूम या गाना इस चीज़ों पे उनका झगड़ा हुआ और एक जो किसी तेंथा लोहे का जो था उससे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों जख्मी हुए अलबत्ता जो है ये ज़्यादा जख्मी हो गया पवन कुमार और जख्मों की ताप न लाकर ये चल बसा और फिर जो है जब इनका पता बरारी की गई तो पाया गया कि ये जो अशोक कुमार है ये यहाँ से भाग गया था इसको पुलिस ने जो है गुरदासपुर से पकड़ के लाया और इसने अपने इस जो केस है इसके बारे में इसकी इन्वॉल्वमेंट साबित बारे में इसकी इन्वॉल्वमेंट साबित पाई गई है कि इसके जो है इसने ये कत्ल किया है इसका डिसीज्ड पवन कुमार का और दूसरे 2 जो हैं जो इसी घर में रेंटेड अकोमोडेशन में जो दूसरे 2 बंदे रह रहे थे उनका अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं पाई गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है फर्दर जो है इसमें अगर कोई और ट्विस्ट आएगा कोई नई चीज़ सामने आएगी तो वो आपको बताई जाएगी। सर क्या ये सभी लोग एक ही रूम में रहते थे क्या सिर्फ यही कारण है कि टीवी देखते हुए बहस हुई है कोई और एंगल भी था इसमें किसी पैसे का लेन देन भी नहीं और कोई एंगल नहीं पाया गया अभी तक। सर अभी तक कितने आदमी हिरासत में लिए गए? अभी तक एक ही अशोक कुमार है सर कुछ और और अपेरेंटली यही लगता है कि जो है वो जो इसी अशोक कुमार ही ने मारा है वो थोड़ा हेल्दी बंदा है और इसने जो है उसको मार दिया और वो जख्मों की तार ना लाकर हाँ हालांकि जैसे इन दोनों ने शराब वगैरह पी रखी थी दोनों का बताया जाता है कि इस बात पे जो है जो दूसरे जो वहाँ पे आई विटनेसेस थे उन्होंने बताया कि इस टीवी की वॉल्यूम को लेके या कुछ चैनल्स को लेके इनकी लड़ाई हुई। सर जिस तरह इसकी डेड बॉडी घर से बाहर मिली थी क्या इसका मर्डर घर के अंदर किया गया था या बाहर कहीं किया गया था? वो अभी सब्जेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो बताया जाए देखेंगे उसमें कर रहे हैं अभी जो है इसको क्योंकि इन्वेस्ट को प्रोसीडिंग को मर्डर में कन्वर्ट हुए 1-2 दिन ही हुए हैं 1-2 दिन ही हुआ है तो जैसे जैसे मजीद जो है इसमें कोई और कोई एंगल अगर पाया गया वो हम रोल आउट नहीं करते वो हम आपसे शेयर। पोस्टमार्टम सर उसके बाद क्या पता चला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी वेटेड है। थैंक यू थैंक यू।